कंपनी IEX। हालांकि सरकार चाहती है कि और सारी छोटी मोटी नॉन लिस्टेड ट्रेडिंग कंपनीज को भी एक साथ कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए IEX का जो शेयर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। अब आप बिजली के प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन IEX अपने आप में एक्से जोनर पे भी है, जहाँ इसका स्ट्रांग 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 बेस है 120 140 वाली रेंज पे। वैशाली, आपको मैं चार्ट भी दिखाता हूँ, आपने भी देखे ही होंगे। ये देखिए कितना स्ट्रांग बेस इसके पास है। ये जुलाई 2022 का बना हुआ है और इसको कभी भी इसने ब्रीच नहीं किया। सारी नेगेटिव खबरें इसने 120 से 140 में डाइजेस्ट की हुई हैं। इसका आ रहा है सीज़न अब। क्या IEX को अगले 2-2.5 महीने के लिए, जब तक गर्मियों का पूरा फ्लो चल रहा है, तब तक लेके बैठ जाएं? डेफिनेटली थिंक सो, बिकॉज आप देखेंगे डिप्पी जी, इवन ऑन अ डेली चार्ट ये स्टॉक ग्रेजुअली हायर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। और रिसेंट भी आप देखेंगे तो अभी भी आप ट्रेड में एंट्री लेना चाहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज प्रीटी फेवरेबल। 130 का तो एक डबल बॉटम बन चुका है, 133 है, तो 130 का लेके चल सकते हैं। और फिलहाल एक क्लस्टर ऑफ स्मॉल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो 130 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक ये स्टॉक को जरूर कंसिडर किया जा सकता है। ग्रेजुअली हम टारगेट्स देखेंगे 155 टू 170। एक बार 172 173 के ऊपर सस्टेन करता है अगर, तो देन इट इज आउट ऑफ द वुड्स और एक रास्ता क्लियर बन जाता है हायर टारगेट्स के लिए। सो ये लेवल पे मेरे हिसाब से जरूर एक फेवरेबल ट्रेड बन रहा है, कंसिडर किया जा सकता है।